तो सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान का शुभारंभ किया है और दिल्ली के एम्स में लगाया गया पहला टीका। तो पीएम मोदी ने अभियान की शुरुआत की है, देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन का शुभारंभ हो गया है। दिल्ली के एम्स में पहला टीका लगाया गया है और आज का दिन कई मानों में ऐतिहासिक है। आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर संबोधित किया। तो दिल्ली के एम्स में पहला टीका लगा दिया गया है, वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई दी। ये वैक्सीनेशन भारत की दक्षता का सबूत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा दो दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हो चुकी हैं। सबसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन हेल्थ वर्कर्स को किया जाएगा। आपको बता दें कि 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। देश में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली के एम्स में पहला टीका लगाया गया है। आज के दिन का सभी लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये दिन कई मायनों में बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कोरोना के खिलाफ जंग का ऐलान तो बहुत पहले ही हो चुका था और इसका महाआरंभ भी हो चुका है। कोरोना को मात देने के लिए वो महामारी जिसने पूरे विश्व को घुटने पर ला दिया था, लेकिन भारत के बढ़ते कदम नहीं रुके और कोरोना वैक्सीन आ चुकी है और उसके वैक्सीनेशन का काम आज से शुरू हो रहा है और इसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब कोरोना की वैक्सीन देश में आ गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों को बहुत बहुत बधाई भी दी। इसके साथ ही उन्होंने देश की क्षमता को इस तरह से परिभाषित किया कि भारत की दक्षता का कोरोना वैक्सीनेशन सबूत है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए। इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। 1 डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना।
तो 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन फ्री जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी और इस बात का विशेष तौर पर आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद दूसरी वैक्सीनेशन भी बेहद जरूरी है। हालांकि कोरोना वैक्सीन आ गई है और इसके साथ ही कोरोना को मात देने की भारत की तैयारियां परवान भी चढ़ चुकी है, लेकिन इस सब के बावजूद 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इस नियम को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वक्त वक्त पर हाथ धोते रहना है, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से याद दिलाया कि मास्क पहनना ना छोड़ें, इसके साथ ही 2 गज की दूरी का भी पालन करें, कोविड-19 की गाइडलाइन जो जारी की गई है उसका पालन करते रहें। कोविड का जो वैक्सीनेशन है इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि पहली वैक्सीनेशन के बाद दूसरी वैक्सीनेशन कब लगेगी इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन के लिए क्या कुछ तैयारियां रही और तैयारियों के साथ ही आज का जो शुभारंभ है ये कई मायनों में ऐतिहासिक है। कोरोना को हराने के लिए भारत ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं और पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से कोरोना को मात देते हुए डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं और वैक्सीनेशन कर रहे हैं हमारे जनता का, और जनता लगातार वैक्सीनेशन करवाने के लिए आगे आ भी रही है। और ये वैक्सीनेशन किस तरह से दी गई है इसकी पूरी जानकारी भी दी गई है और एम्स में कोरोना का पहला टीका लगाया गया है।